जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं। इट इज सो सिंपल। नंबर वन, हमको जो चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधी तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस, समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज वन। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड्स और ये वो ले लेते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए समझे, अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती है, बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, और ले ली। उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली समझे। होता है नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो, और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर वन, पैसे की कमी से। नंबर टू, खर्चे ज्यादा होने की वजह से। नंबर थ्री, अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पर डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स है, ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो, वो करो। तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पर क्रिएट होता है जो बॉटम पे है या टॉपर पे भी क्रिएट होता है? तो समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है।